तो दोस्तों, जो चाहोगे वो पालोगे, पर आज आपको फिर से थोड़ी मेहनत करनी होगी। हेलो एवरीवन, स्टडीज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है December 13, 2018 और डे है थर्सडे। न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपसे पूछ रहा है बायोप्लास्टिक्स के बारे में। रिसेंटली मैंने आपको बायोप्लास्टिक से रिलेटेड एक स्टडी पढ़ाई थी, उससे रिलेटेड ये सवाल है। यहाँ पे तीन स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट है, बायोप्लास्टिक्स आर इन प्रिंसिपल क्लाइमेट न्यूट्रल सिंस दे आर बेस्ड ऑन रिन्यूएबल रॉ मटेरियल सच एज मेज, व्हीट और शुगर केन। तो क्लाइमेट न्यूट्रल होते हैं क्योंकि वो रिन्यूएबल रॉ मटेरियल से बनते हैं बायोप्लास्टिक्स, जैसे मेज से, व्हीट से या शुगर केन से। सेकेंड स्टेटमेंट है, द प्रोडक्शन ऑफ बायोप्लास्टिक्स इन लार्ज अमाउंट कुड चेंज लैंड यूज ग्लोबली। अगर ज़्यादा हम लोग बायोप्लास्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा उसका प्रोडक्शन होगा, उसकी वजह से जो लैंड यूज होता है ग्लोबली वो बदल जाएगा। मतलब यहाँ पे जो फॉरेस्ट लैंड है वो एग्रीबल लैंड में कन्वर्ट होती हुई हमें दिखाई देगी, ऐसी सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है। तीसरी स्टेटमेंट है, एन इंक्रीज्ड कंजम्पशन ऑफ बायोप्लास्टिक्स इन द फॉलोइंग ईयर्स इज लाइकली टू जनरेट इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम क्रॉप लैंड एक्सपेंशन ऑन अ ग्लोबल स्केल। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, A1 and 2 ओनली, B2 and 3 ओनली, C1 and 3 ओनली या D ऑल ऑफ दी अबव। तो जल्दी से अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू की खबरों के साथ। आपको पेज नंबर 1 पे आज की जो पहली न्यूज मिलती है वो है, अप्रोच विल बी कंसल्टेटिव सेज दास। शक्तिकांत दास जी जो कि RBI के न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर है, 25th गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उनका यह कहना है कि जो उनकी अप्रोच रहने वाली है वो कंसल्टेटिव मैनर में रहने वाली है। वो बात करें यहाँ पे कि सरकार और RBI के बीच में यहाँ पे बैलेंस बना के वो सारी बातें हम लोगों के सामने रखेंगे। यहाँ पे उर्जित पटेल जी के रेजिग्नेशन के बाद कुछ ही घंटों के भीतर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे शक्तिकांत दास जी की अपॉइंटमेंट हुई एज द गवर्नर ऑफ RBI। बड़े सवाल तब सामने आए जब ये चीज़ पूछी गई कि एक ब्यूरोक्रेट को यहाँ पर ऊपर पद पे चढ़ाकर RBI के गवर्नर के रूप में क्यों चुना गया, और क्या यहाँ पे शक्तिकांत दास जी जिन्हें हम लोग ऐसा लॉयलिस्ट ऐसा ट्रस्टवर्दी पर्सन कह रहे हैं यहाँ पे सरकार के, क्या वो RBI की ऑटोनॉमी, क्या वो RBI की इंडिपेंडेंस, क्या वो RBI की स्वतंत्रता को यहाँ पे बरकरार रख पाएंगे या नहीं। न्यूज आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। यहाँ पे न्यूली अपॉइंटेड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने बोला है कि उनका मेन मकसद रहेगा जो ऑटोनॉमी है यहाँ पे सेंट्रल बैंक की RBI की उसे मेंटेन करें, और जो क्रेडिबिलिटी है RBI की उसको भी मेंटेन किया जाए। उन्होंने बोला RBI एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसकी बहुत ही लंबी लीगेसी है और बड़े बड़े लोगों ने RBI गवर्नर का पद संभाला है, चाहे वो बड़े इकोनॉमिस्ट हों या प्रोफेशनल्स। यहाँ पे जो बड़ा जो यहाँ पे इन्होंने एक स्टेटमेंट बोली वो थी, गवर्नमेंट अ स्टेक होल्डर। आप खुद देखो यहाँ पे बोला गया है, एट द सेम टाइम एवरी इंस्टीट्यूशन मस्ट ऑल्सो एडहेयर टू द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। देश में हर इंस्टीट्यूशन किसी ना किसी के प्रति अकाउंटेबल होता है। यहाँ पे इन्होंने जो बात बोली है वो सरकार और RBI से रिलेट करते हुए बोली, अगर आप लिंक करोगे तो। यहाँ पे मैं आपके साथ कोट कर रहा हूँ RBI की रिपोर्ट जो कि 2000 के अंदर आई थी। उस रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ बोली गई थी कि यहाँ पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है वो पार्लियामेंट के प्रति डायरेक्टली अकाउंटेबल नहीं होता है। इस चीज़ को याद रखना, जो RBI होता है वो सरकार के प्रति अकाउंटेबल होता है, गवर्नमेंट के प्रति अकाउंटेबल होता है, और यहाँ पे जो भारत सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, वो पार्लियामेंट के प्रति यहाँ पे अकाउंटेबल होती है। ये लाइन एज इट इज यहाँ पे रिपोर्ट ऑफ 2000 के अंदर लिखी गई थी। तो यहाँ पे जो लाइन बोली है शक्तिकांत दास जी ने कि हर इंस्टीट्यूशन किसी ना किसी चीज के प्रति अकाउंटेबल होता है और जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी है उसको मानना चाहिए, तो यहाँ पे इन्होंने इस चीज को सामने रखा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अकाउंटेबल है सरकार के प्रति, और उसको भी सरकार की कुछ बातों को मान लेना चाहिए, क्योंकि यहां पे इनका कहना है कि सरकार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है देश की अर्थव्यवस्था में, देश की इकोनॉमी में। और जो बातें कही हैं वो इस तरीके से हैं कि उन्होंने बोला कि स्टेक होल्डर के साथ वो लोग कंसल्टेशन करेंगे, और गवर्नमेंट इज नॉट ओनली अ स्टेक होल्डर, जो RBI के सिर्फ स्टेक होल्डर नहीं है, मैंने आपको बताया था एक तरीके से ओनर के रूप में, स्टेक होल्डर के रूप में भी काम करती है भारत सरकार RBI के। इसी वजह से जो RBI है वो यहाँ पे जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करता है उसका जो मैक्सिमम चंक ऑफ अमाउंट है वो हमें भारत सरकार के पास देखने को मिलता है। वही तो एक इशू था, एक इशू ये भी तो था कि यहाँ पे जो प्रॉफिट का जो पैसा है जिसमें से कुछ बहुत सारा पैसा यहाँ पे RBI अपने कॉन्टिंजेंसी फंड में इकट्ठा कर रहा है, उसमें से पैसा यहाँ पे भारत सरकार को दिया जाए जिससे वो सोशल सेक्टर में ज्यादा स्पेंड कर सके या आने वाले हैं इलेक्शन उनमें ज्यादा स्पेंड कर सके। तो उस चीज को भी यहाँ पे
पे बोला गया कि यहाँ पे एज अ स्टेक होल्डर भी काम करते हैं यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट, और साथ ही यहाँ पे गवर्नमेंट डे टू डे इकोनॉमी भी रन करती है हमारे देश की। तो जो मेजर पॉलिसी डिसीजंस होते हैं उसमें भी यहाँ पे भारत सरकार का इक्वल रोल होना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने बोला कि जितने भी इश्यूज हैं, डिस्कशन है, उसे वो रिजॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। अभी रिसेंटली हमें देखने वाले हैं कि दिसंबर 14 को यहाँ पे आरबीआई के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग होगी, जहाँ पे इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा कि आरबीआई का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है, आरबीआई का जो स्ट्रक्चर है, उसको क्या ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में हम लोग लेकर आएंगे, या उसको और ज़्यादा साइंटिफिक बनाया जाएगा, या उसको जैसे है वैसे ही रहने दिया जाएगा, या उसके गवर्नर स्ट्रक्चर को चेंज किया जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट इशू है जो कि डील करना पड़ेगा यहाँ शक्तिकांत दास जी को, और भी एमएसएमई के इशू हैं यहाँ पे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के इशू हैं यहाँ पे, प्रॉम क्रिएटिव एक्शन फ्रेमवर्क के इशू हैं, वो सारे इशू मैं बार बार आपके साथ डिस्कशन में ले चुका हूँ। पर आज जो इंपॉर्टेंट बात थी वो यही थी कि इन्होंने जो स्टेक होल्डर वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सामने रखा, उसमें मेरे को आपके साथ कोट करनी थी रिपोर्ट ऑफ 2000। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज आपको मिलती है यहां पे पेज नंबर 1 पे ही, सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड टाइम फ्रेम फॉर एनआरसी फ्रेमवर्क। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है जिसके बारे में आपके साथ बात कर रहा था कि यहां पे असम गवर्नमेंट क्या चाहती है। असम गवर्नमेंट कह रही थी कि उनके वहां पे पंचायत के कुछ इलेक्शन हुए हैं, उस वजह से यहां पे बहुत सारे लोग यहां पे एनआरसी के अंदर अपना नेम रजिस्टर नहीं करा पाए, और वहां पे जो फॉरनर्स ट्राइब्यूनल है वहां पर क्लेम भी नहीं चढ़ा पाए। तो 15th ऑफ दिसंबर यहां पे एक एंड डेट जो कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करी थी, उसको एक्सटेंशन के लिए यहां पे असम गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट डाली थी। उन्होंने मांगा था 1 महीने का एक्सटेंशन, पर यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक्सटेंशन तो दे दिया है पर सिर्फ 15 डेज का दिया है। यहां पे 31st ऑफ दिसंबर 2018 को डेडलाइन माना गया है कि जब तक कोई अगर एनआरसी का क्लेम कर देगा तो ठीक है, अगर कोई नहीं करेगा तो उसको यहां पे एनआरसी की लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। बाकी न्यूज आपकी स्क्रीन पर है, आप पॉज करके देख सकते हो। यहां पे एक और जो पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि एक और चीज थी जो असम गवर्नमेंट ने एक चीज ये भी रखी थी कि जो सैंपल यहां पे आएंगे, जिन लोगों यहां पे लिया जाएगा एनआरसी की लिस्ट के अंदर जो नए लोग होंगे, उनमें से 20% का रीवेरिफिकेशन किया जाए, जिससे जो असम गवर्नमेंट है वो एकदम श्योर हो जाए कि लोग बिल्कुल सही हैं। रीवेरिफिकेशन की यहां पे बात हो रही थी, पर यहां पे जो सुप्रीम कोर्ट ने इसने इस चीज को पर्टिकुलरली डिक्लाइन कर दिया है। तो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। पेज नंबर 1 पे ही आपको एक और न्यूज़ मिलती है, ये न्यूज़ लिंक करिए श्रीलंका के पॉलिटिकल क्राइसिस से, उसमें एक और कड़ी जोड़ने का वक्त आ गया है। तो हुआ क्या था, 3 यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टर थे, सबसे पहले प्रेसिडेंट मैत्रीपाल सिरिसेना, दूसरे प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षे, और तीसरे थे यहाँ पे एक्स प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रमसिंघे। हुआ क्या था, यहाँ पे प्रेसिडेंट ने जिस समय रनिल विक्रमसिंघे प्राइम मिनिस्टर का पद संभाल रहे थे, उन्हें उस पद से यहाँ पे बर्खास्त कर दिया था, निकाल दिया था। इंपॉर्टेंट उस समय पे बात यह थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तब सामने आया जब उस समय पर यहाँ पे पहले से ही मेजॉरिटी एंजॉय कर रहे थे रनिल विक्रमसिंघे, मेजॉरिटी एंजॉय करते हुए भी प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे उनके पद से हटा दिया प्रेसिडेंट ने, अपनी पावर्स का एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते हुए। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे यहाँ पे, बड़े बड़े एनालिस्ट थे, उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो श्रीलंका है वो पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर फंसता जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं मैत्रीपाल सिरिसेना, उन्होंने कुछ ही घंटों के अंदर ही नए प्राइम मिनिस्टर चुन लिए यहाँ पे महिंद्रा राजपक्षे, जो कि पूर्व प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे श्रीलंका के। इसके बाद क्राइसिस और ज़्यादा बड़ा तब हो गया जब यहाँ पे पार्लियामेंट को भी यहाँ पे डिसॉल्व कर दिया प्रेसिडेंट ने, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए। पर वो भूल गए थे एक अमेंडमेंट 19 हुआ था श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसने यहाँ पे प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं उनको बंद कर दिया था, उन पावर्स को यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। उन पावर्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि सरकार बनने के 4.5 साल के अंदर अंदर यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो बिना जो पार्लियामेंट है, जब तक वो 2/3 मेजॉरिटी से लिख कर नहीं देता है प्रेसिडेंट को, जब तक वो डिसॉल्व नहीं कर सकते यहाँ पे पार्लियामेंट को। बट फिर भी उन्होंने किया। इसके बाद जो पूरा का पूरा केस है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ श्रीलंका के पास गया। सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजों को साफ करते हुए बोला कि जो डिसॉल्यूशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड है, और आपको फिर से यहां पे अगर आपने नए प्राइम मिनिस्टर को चुन लिया है, यहां पे आपने महिंदा राजपक्षे को नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुन लिया है, तो आपको उनको मेजोरिटी प्रूफ करानी पड़ेगी। 3 बार लगातार ट्रस्ट वोट में फेल होते हुए हमें नजर आए यहां पे महिंदा राजपक्षे, बट फिर भी यहां पे महिंदा राजपक्षे को प्राइम मिनिस्टर के पद से हटाने का नाम नहीं ले रहे थे
थे यहाँ पे प्रेसिडेंट मैत्रीपाल सिरिसेना। यहाँ पे श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा डिसीजन सामने रखा था कि यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे हैं और उनकी जो कैबिनेट है वो अब फंक्शन करना चालू नहीं करेगी और उनको फंक्शन करने से यहाँ पे रोक दिया गया था। उसके बाद उनको वापस से अगर उस फंक्शन पे जाना है, प्राइम मिनिस्टर का पद संभालना है, तो उन्हें अपना ट्रस्ट वोट प्रूफ करना पड़ेगा। पर यह सबको पता है कि वो 3 बार लगातार फेल हो चुके हैं, तो अब वो कैसे यहाँ पे अपना ट्रस्ट वोट या मेजोरिटी प्रूफ करेंगे। इसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि जो मेजोरिटी है श्रीलंकन पार्लियामेंटेरियंस की, उसमें अपोजिशन के भी 14 लोग हैं। वो लोग भी यहाँ पे जो रनिल विक्रमसिंघे जी हैं, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, आउटस्टेटेड यहां पे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके सपोर्ट में हैं और यहां पे उनके लिए मेजॉरिटी वोट्स सामने हमें होते हुए नजर आए हैं। पर यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पे जो प्रेसिडेंट हैं मैत्रीपाल सिरिसेना, उन्होंने बोल दिया था कि चाहे रनिल विक्रमसिंघे को 225 पूरे के पूरे ही वोट्स क्यों ना मिल जाए पार्लियामेंट के, वो उनको नहीं चुनेंगे एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। देखो इस तरीके की चीजें चल रही हैं श्रीलंका के अंदर, बहुत ही एक अजीब तरीके का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है, सारी न्यूज मैंने आपको वैसे ही बता दी है, एक बारी पॉज करके इसे भी देख लेना कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, पर उससे पहले पेज नंबर 9 पे आपको एक FAQ मिलता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मिलता है, जो कि बात कर रहे हैं यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 के बारे में। पहले FAQ को देखेंगे, क्योंकि जो अगली न्यूज है पेज नंबर 2 पे वो उसी पर्टिकुलर चीज से रिलेट कर रही है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 हम लोग लेकर आए क्योंकि हम लोग यहाँ पे अमेंड करना चाह रहे हैं सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। हम लोग असलियत में करना क्या चाह रहे हैं, जो इलीगल माइग्रेंट्स की जो डेफिनेशन है उसके अंदर बदलाव लाना चाह रहे हैं। यहाँ पे 6 रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, जो कि हैं यहाँ पे हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियंस, जो कि बिलोंग करते हैं 3 देशों से, यहाँ पे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान की। उनको यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट के रूप में नहीं देखा जाएगा, चाहे उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट हो या वैलिड डॉक्यूमेंट ना हो, और उनको यहाँ पे सिटीजनशिप भी जल्द से जल्द ग्रांट करी जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ भी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 है, हमारे देश में जो नेचुरलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसके अंदर 12 साल आपको भारत देश के अंदर रहना पड़ता है, उसी के बाद आप लोग नेचुरलाइजेशन के अंदर सिटीजनशिप यहाँ पे अपनी क्लेम कर सकते हो। उस पर्टिकुलर चीज़ को, उस टाइम फ्रेम को भी यहाँ पे कम करने की बात हो रही है और उसको बना दिया जाएगा पूरे के पूरे 7 साल, 7 ईयर्स। ओके, तो FAQ आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है, यहाँ पे बात हो रही है गेटिंग सिटीजनशिप कुड बिकम ईजियर फॉर सम, तो इस वजह से कुछ लोगों के लिए सिटीजनशिप लेना भारत के अंदर थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे होगा यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 किन किन 6 रिलीजियस कम्युनिटीज से डील कर रहा है, हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियंस, 3 देश के, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के, जिनको इलीगल माइग्रेंट्स के रूप में नहीं यहाँ पे देखा जाएगा। इसके लिए यहाँ पे वो कोई भी डेपोर्टेशन, जो कि पासपोर्ट एंट्री टू इंडिया एक्ट 1920 के अंदर आता है, यदि फॉरनर्स एक्ट ऑफ 1946 के अंदर आता है, उनके अंदर भी उनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं इन 6 कम्युनिटीज के, उनको जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनको अगर कंपेयर करें, उनको कंपेयर करें, तो उसके बाद यहाँ पे उनके लिए यहाँ पे सिटीजनशिप लेना आसान हो जाएगा। अब अगला जो यहाँ पे सवाल है, व्हाई डिड द एक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस, ये एक्ट असलियत में एग्जिस्टेंस में क्यों आया, तो जुलाई 15 2016 के अंदर ये एक्ट आया था। एक्ट की डिटेल मैंने आपको बता दी, तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो यहाँ पे इंडिया के अंदर जो सिटीजनशिप लेने का जो प्रोसीजर हो वो आसान हो जाए इन 6 कम्युनिटीज़ के लिए। और यहाँ पे जो 12 ईयर्स का जो रेजिडेंसी पीरियड जरूरी होता है हमारी नेशनलाइजेशन की सिटीजनशिप के लिए, उसको भी 7 साल करने की बातचीत की जा रही है। अभी हम लोगों ने एक और चीज़ देखी रिसेंटली, भारत सरकार ने जो सिटीजनशिप रूल हैं 2009 वाले, उसका ना एक सेपरेट कॉलम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया सिटीजनशिप फॉरम के अंदर, कि कोई लोग जो इन 6 कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं इन 3 देशों से, वो भी अपनी अपनी सारी चीज़ों को सामने रख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 के अंदर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बोन ऑफ कंटेंशन का एक काम कर रही हैं, मतलब यहाँ पे कन्फ्लिक्ट का काम कर रही हैं। कन्फ्लिक्ट कैसे हो रहा है, यहाँ पे कोट किया जा रहा है आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि रिलेट करता है राइट टू इक्वलिटी के, क्योंकि यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन लोगों को यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, ऐसा कहना है यहाँ पे एनालिस्ट का। तो FAQ का आगे का पार्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है, व्हाई इज इट अ बोन ऑफ कंटेंशन, तो क्रिटिक्स यही कहते हैं कि जो बिल है
है वो वायलेट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के जो बेसिक टेनेट्स हैं उनको, और यहाँ पे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको रिलीजन के बेसिस पे यहाँ पे अलग अलग किया जा रहा है। और जो हमारा प्रपोज जो लॉ है, जो हमारा सिटीजनशिप बिल है 2016 वाला, वो फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी जो कि आर्टिकल 14 के अंदर आता है उसके खिलाफ जा रहा है। क्योंकि देखो प्रोटेक्शन जो है आर्टिकल 14 के अंदर वो बोथ सिटीजनशिप और फॉरनर्स दोनों के लिए ही अप्लाई होता है। यहाँ पे दूसरा एक और सवाल है कि जो असम में हम लोग NRC कर रहे हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन कर रहे हैं, जिससे हम लोग जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको बाहर भगाने की कोशिश कर रहे हैं असम से, यहाँ पे डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन असम के सही लोग हैं और कौन यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उसके भी यहाँ पे खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे 2016 वाला बिल। नाउ व्हाट लाइज अहेड, अब आगे क्या है, आगे तो अब देखना ही पड़ेगा कि जो प्रॉमिस किए थे यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट ने वो किस तरीके से पूरे होते हुए नजर आएंगे और कितना यहाँ पे सिटीजनशिप बिल का इंपैक्ट होता हुआ नजर आएगा हमें 2019 के अंदर। यहां पे मैंने आपके साथ एक लाइन कोट करी कि जो आर्टिकल 14 है उसको एंजॉय करने का यहाँ पे अधिकार सिटीजन के पास भी है और जो फॉरनर्स हैं उनको भी दिया जाता है। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें से कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको एंजॉय यहाँ पे सिर्फ सिटीजन्स ही कर सकते हैं, वो आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए कि वो कौन कौन से राइट्स हैं। वो राइट्स हैं आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। तो 5 ऐसे राइट्स हैं, इन राइट्स को देख लेना अपनी लक्ष्मीकांत की बुक खोल के। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 से रिलेट करती है। पेज नंबर 2 पे आपको एक खबर मिलती है, अलाउ माइनॉरिटीज इनटू इंडिया, मेघालय हाई कोर्ट टेल सेंटर। तो मेघालय हाई कोर्ट ने यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ बड़ी बड़ी सजेशंस दी हैं जिन्होंने हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सामने रखे हैं। न्यूज़ आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है, हाईलाइटेड न्यूज़ है। यहाँ पे मेघालय हाई कोर्ट ने सेंटर से बोला है कि जो रिलीजियस और एथनिक माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं जो कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, उनको सिटीजनशिप जल्द से जल्द प्रोवाइड की जाए विदाउट एनी कट ऑफ ईयर और कोई भी उनसे सवाल ना पूछे जाए। मतलब कोई भी उनके लिए कट ऑफ ईयर ना हो और एकदम जैसे ही वो भारत में आए उनके उसी समय पर उनको सेटल करने की प्रक्रिया चालू कर दी जाए, भारत सरकार को रिहैबिलिटेशन भी प्रोवाइड करे, ऐसा कहना यहां पे मेघालय हाई कोर्ट का है। कोर्ट ने जो 6 मैंने आपको कम्युनिटीज बताई उसके अलावा गारो, खासी और जैनत्यास का भी जिक्र किया कि उनको भी इसी चीज़ के अंदर इंक्लूड किया जाए। यहाँ पे बात हो रही है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 के बारे में, साथ ही यहाँ पे पाकिस्तान का जिक्र भी आया, बोला कि पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामिक कंट्री के रूप में डिक्लेयर किया था 1947 के डिवीजन के बाद, पर इंडिया ने अपने आप को एज अ सेकुलर कंट्री डिक्लेयर किया था। और आप देखोगे कि यहाँ पे जो और जो देश हैं खासकर पाकिस्तान, वहाँ पे जो हिंदूज हैं, सिख्स हैं, जैनस हैं, बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं, हैं, कुछ खासी जैन और गारो से भी रिलेट कर रहे होंगे, उनको यहाँ पे टॉर्चर किया जाता है और उनको कोई जगह नहीं दी जाती और उसके इसी वजह से वो लोग यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट के रूप में आ जाते हैं और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का भी यहाँ पे सवाल खड़े किए गए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, उन्होंने ये भी बोला कि जो NRC का जो प्रोसेस है असम के अंदर उसके अंदर कुछ फॉल्टीनेस है, उनको ढंग से हम लोगों को देख लेना चाहिए। तो देखो देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि एकदम से सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दी जाए, तो यहाँ पे हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी का जो मुद्दा है वो भी हम लोगों के सामने आ जाता है। तो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो लिंक कर रही है तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में जो रिफ्ट चल रहा है उससे रिलेट करते हुए। तो तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में कावेरी नदी को लेकर सदियों से यहाँ पे जो बहस है वो चालू है और इम्पोर्टेंट बात यह कि कर्नाटका यहाँ पे चाहता है कि कावेरी नदी के ऊपर यहाँ पे मेकहदत्तू रिजर्वर बनाया जाए इन कनकपुरा तालुक, तो वहाँ पे इसकी बनाने की बात हो रही है। तमिलनाडु इसका अपोज करिए, तमिलनाडु करिए कि अगर वो वहाँ पे एक नया रिजर्वेयर बनाएंगे तो जो वाटर शेयरिंग जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डिसाइड करी है वो सारी की सारी चीज़ें उसके खिलाफ हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने की यहाँ पे कर्नाटका कोशिश कर रही है, इस तरीके की पिटीशन यहाँ पे तमिलनाडु ने हम लोगों के सामने रखी। तमिलनाडु ने इसी चीज़ के ऑब्जेक्शन में और भी चीज़ें बोली कि यहाँ पे जो सेंट्रल वाटर कमीशन के जो चीफ हैं एस मसूद हुसैन, उनको चुन लिया गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी और यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कर्नाटका की एक रिपोर्ट थी, कर्नाटका जो चीज़ें चाह रही थी उसको कहीं ना कहीं मारती नजर आई थी हमें CWC सेंट्रल वाटर कमीशन, और खासकर उनके चीफ ने भी यहाँ पे कुछ रिपोर्ट इसी हिसाब से प्रिपेयर करी थी। रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया था 16 फरवरी को और उसके अंदर सब चीज़ों को सेपरेट रखा गया था, तो उन सब चीज़ों के खिलाफ भी यहाँ पे बातें होती हुई हम लोगों को नजर आ रही हैं। न्यूज़ आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है, तो यहाँ पे उन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड बात है कि तमिलनाडु ने क्या क्या बातें करी। उन्होंने बोला कि यूनिलेटरी
लिए जो अप्रूव किए जाते हैं ग्रांट बाय सेंट्रल वाटर कमीशन टू कर्नाटका, उस और उनको यहाँ पे जो ग्रांट अप्रूव किया दी गई कि जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट है यहाँ पे मेकादूता प्रोजेक्ट है जिसके बारे में अभी डिस्कशन में लिया, उसको यहाँ पे रोका जाए क्योंकि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के खिलाफ है। क्योंकि यहाँ पे जो वाटर शेयरिंग है तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में वो हमें बदलती हुई नजर आएगी अगर ये मेकादूता प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तो। साथ ही यहाँ पे ये भी तमिलनाडु सरकार ने बोला कि ये जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट है मसूद हुसैन जी की एज द न्यू चेयरमैन ऑफ कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी वो सही नहीं है क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं है, वो CWC के भी यहाँ पे चेयरपर्सन है और यहाँ पे CWMA के भी चेयरपर्सन हो जाएंगे तो वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर पाएंगे। तमिलनाडु चाहती है कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को बिठाया जाए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद के ऊपर। इसी के साथ कुछ कैस्केडिंग इफेक्ट हैं जो हम लोगों को देखने को मिलेंगे वो भी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने यहाँ पे जो ट्राइब्यूनल के पास आया था February 5, 2007 के अंदर, वहाँ पे उन्होंने बोला था कि CWC वाज ड्यूटी बाउंड टू ऑनर एंड इम्प्लीमेंट डिसीजन ऑफ ट्राइब्यूनल, बट फिर भी जो CWC है उसने ट्राइब्यूनल के जो डिसीजंस थे उनको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया और उसके बावजूद भी यहाँ पर जो रिजर्वर्स हैं उनको अप्रूव करता चला गया CWC। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की यहाँ पे बात हो रही है जो चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कशन में ले ली। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, पेज नंबर 5 पे आपको खबर मिलती है आर्ट कीप्स इट्स डेट विद क्वीन ऑफ अरेबियन सी। यहाँ पे बात हो रही है कोची मुजीरिस बाइनियल 2018 के बारे में। असलियत में कोची मुजीरिस बाइनियल 2018 है क्या, एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन होता है जहाँ पे कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट को डिस्प्ले किया जाता है कोची केरला के अंदर। न्यूज़ आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। तो इट इज़ दी बिगेस्ट कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट फेस्टिवल, पूरे के पूरे एशिया का यह सबसे बड़ा कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट फेस्टिवल है। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कोची मुजीरिस बाइनियल 2018 है क्या, और फिर चार्ज आपके लिए चीज़ें बना देंगे, कोई एक एक्सरसाइज है मिलिट्री एक्सरसाइज और एक जगह छोटा सा लिख देंगे कंटेम्प्रेरी आर्ट फेस्टिवल और आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। तो याद रखना इट इज अ कंटेम्प्रेरी आर्ट फेस्टिवल। किसका इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव है कोची बायनियल फाउंडेशन का और यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ केरला है वो सपोर्ट करती है। यहाँ पे अलग अलग जगहों पर हेरिटेज बिल्डिंग्स के ऊपर, पब्लिक स्पेसिस के ऊपर, हॉल्स के अंदर, साइट्स के अंदर, सब जगह यहाँ पे डिजाइनिंग की जाती है, पेंटिंग की जाती है। आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे भी देख रहे हो, देखो राइट हैंड साइड में किस तरीके से लोग इकट्ठा हो रहे हैं इस पर्टिकुलर फेस्टिवल के लिए। अगर आप गूगल सर्च करोगे तो भी आपको बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स देखने को मिल ही जाएंगी। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग आ गए हैं पेज नंबर 7 की तरफ। यहां पे बात हो रही है इंडिया के पास आने वाला एक सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम। अगर हमारी सबमरीन कोई ख़राब हो जाती है पानी के अंदर तो उसको बाहर निकालने के लिए, उनके क्रू मेंबर्स को बचाने के लिए हमारे पास कोई भी सशक्त तरीका अभी तक नहीं था और फाइनली इंडिया की जो नेवी है वो उन सेलेक्ट ग्रुप ऑफ नेवल फोर्सेस को यहाँ पे ज्वाइन करने वाली है पूरी दुनिया के अंदर जो कि यहाँ पे इंडक्ट करते हैं नॉन थेथर्ड डीप सब मर्ज्ड रेस्क्यू व्हीकल DSRV सिस्टम। तो यहाँ पे जो सिस्टम होता है इसकी मदद से जो सबमरीन्स हैं उनको रेस्क्यू किया जाता है, उनको यहाँ पे बाहर निकाला जाता है और इसकी मदद से जो क्रू मेंबर्स हैं सबमरीन्स के उनको भी हम लोग बचा सकेंगे। तो क्या है, किस तरीके का ये सिस्टम है, क्या क्या एग्रीमेंट है, कंप्यूटर स्क्रीन पे आपकी आ रहा है। तो बेसिकली इट्स अ फ्लाईवे डीप सी सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम जिसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा रफ, बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन में भी हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। देखो अगर वेव हाइट यहाँ पे पानी के अंदर 4 से 6 मीटर की भी होंगी तब भी हम लोग ऑपरेट कर सकेंगे इस DSRV सिस्टम को। 650 मीटर की यहां पे डेप्थ पे ऑपरेट करेगा, 12 से 18 का इसका एंड्योरेंस टाइम है, घंटे का एंड्योरेंस टाइम है। यहां पे 17 टोटल पैसेंजर होंगे जिसमें 3 क्रू मेंबर होंगे और 14 लोगों को ये रेस्क्यू करके वापस से ला सकेगा। 1000 करोड़ का यहां पे एक सिस्टम है, एक सिस्टम की बात यहां पे हो रही है, एक सिस्टम यहां पे 1000 करोड़ का है। देखो जो DSRV है उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं एयर के थ्रू, तो अगर ग्लोब में मतलब कहीं भी किसी भी देश में जिसके साथ हमारे एग्रीमेंट है उनको भी जरूरत होगी इस सिस्टम की तो हम लोग एयर फ्लाइट के थ्रू भी इस सिस्टम को उनकी जगह पर जल्द से जल्द पहुंचा सकते हैं। देखो मार्च 2016 के अंदर इंडियन नेवी ने 2000 करोड़ का एग्रीमेंट साइन किया था यूके बेस्ड जेम्स फिशर डिफेंस के साथ कि हम लोगों को 2 सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम चाहिए और 25 साल का हम लोगों को मेंटेनेंस भी चाहिए। और यहाँ पे पहला सिस्टम हमारे पास आ गया है और जो दूसरा सिस्टम है वो यहाँ पे अप्रैल 2019 के हम लोगों को आता हुआ नजर आएगा और वो यहाँ पे ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम के अंदर आएगा। अभी
वाला जो है वो नेवल डॉकयार्ड मुंबई के अंदर आ रहा है। साथ ही इंडियन नेवी हैज़ ऑल्सो साइन द फर्स्ट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू अराइव बाय 20 और यहाँ पे आप देखो 2019 में आ जाएगा 9,000 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को दो और शिप्स के लिए, क्योंकि डेडिकेटेड मदर शिप्स होंगी सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम के लिए, क्योंकि हमें कुछ यहाँ पे बड़ी बड़ी शिप्स भी चाहिए जिसके अंदर ये जो सिस्टम है उसको यहाँ पे रखा जा सके। अब हमारे भारत की सबमरीन स्ट्रेंथ भी देख सकते हो, राइट हैंड साइड में व्हाइट कलर का बॉक्स है, स्कॉर्पियन क्लास 1 सबमरीन है हमारे पास और रशियन किलो क्लास 9 सबमरीन हैं, जर्मन HDW-4 हैं, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन फ्रॉम रशिया हम लोगों ने एक लिया और एक हमारे पास इंडिजीनियस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जिसका नाम है INS अरिहंत। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, पेज नंबर 7 से ही आपको मिलती है, लिंक कर रही है NSG से, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना यहाँ पे 1986 के अंदर की गई थी। यहाँ पे एक बहुत ही पर्टिकुलर इवेंट हुआ था जहाँ पे असैसिनेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी को और यहाँ पे जब ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया था उसके बाद, तो यहाँ पे उन पर्टिकुलर इवेंट को ध्यान में रखते हुए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना की गई थी। मेन मकसद क्या था, जो अर्बन जो टेरर होता है यहाँ पे, जो टेररिज्म एक्टिविटीज होती हैं उनको यहाँ पे हम लोग डील कर सके, जो एंटी हाइजैक फोर्स को हम लोग यहाँ पे एस्टैब्लिश कर सकें, इसके रूप में यहाँ पे NSG को बिल्टअप किया गया था। यहाँ पे जो न्यूज़ है वो ये है कि NSG के पास अपनी खुद की एयर विंग होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे NSG के पास जो दो हेलीकॉप्टर्स थे वो के दोनों ही यहाँ पे उसके हाथों से जा चुके हैं किसी ना किसी कारण की वजह से, कारण अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री पैनल है उसने इस चीज़ की रिकमेंडेशन करी है कि सेंटर जल्द से जल्द यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो कि हमारे देश के प्रीमियर काउंटर टेरर और कंटिजेंसी फोर्स है, उसको एक डेडिकेटेड या सेपरेट एयर विंग प्रोवाइड करने की जो मुहिम है उसको चालू करे। न्यूज़ आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। तो इस कमेटी को यहां पे हेड किया था कांग्रेस लीडर पी चिदंबरम जी ने और यहां पे उन्होंने बोला कि दो MI-17 हेलीकॉप्टर्स थे जो कि यहां पे NSG ने प्रोक्योर किए थे 1988 और 99 के अंदर, जहां पे दोनों ही ग्राउंडेड हो चुके हैं और दोनों ही अनअवेलेबल हैं। इनमें से अगर आप एक हेलीकॉप्टर देखोगे उसका एक्सीडेंट हो गया था February 22, 2002 में और वो डैमेज हो गया था और दूसरा वाला इतना ज्यादा अनसर्विसेबल हो गया था क्योंकि उसके जो स्पेयर पार्ट्स थे वो अवेलेबल ही नहीं थे। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को जल्द जल्द इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है हमारी NSG और उसको एम्पावर करना, उसको स्ट्रेंथन करना हमारी जिम्मेदारी है। देखो यहां पे मैं आपको बता दूं 2008 में जो मुंबई में टेरर अटैक हुआ था, उस अटैक के अंदर यहाँ पे एक और जो क्रिटिक्स सामने आए थे वो ये थे कि जो हमारी NSG है वो सही समय पर नहीं पहुँच पाई थी क्योंकि उनके पास इतने लॉजिस्टिक इतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे। तो यहाँ पे अगर हम उन्हें एक सेपरेट एयर विंग प्रोवाइड करेंगे तो वो उतने ही सही समय पर कहीं भी अगर ऐसी प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पर पहुँच पाएंगे। इसके साथ साथ देखोगे NSG ने अभी तक कोई भी ऐसे एयरक्राफ्ट वाले रियल टाइम टेस्टिंग नहीं करी है, तो उनको इन सर्कमस्टेंसेस में भी यहाँ पे टेस्ट करना चाहिए बहुत सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे आप एक और चीज़ देखोगे कि NSG के अंदर खुद का कोई कैडर नहीं होता है, खुद की कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है, इसके अंदर जो आर्मी के या पुलिस फोर्सेज जो हमारी CAPF होती हैं उनके जो पुलिस फोर्सेज के जो लोग होते हैं उनको ही डेप्यूटेशन बेसिस पे भेजा जाता है। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 7 पे ही मैंने आपके साथ CAPF के बारे में बातचीत करी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के बारे में बात करी। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस बेसिकली एक यूनिफॉर्म यहाँ पे नॉमेनक्लेचर है, 7 सिक्योरिटी फोर्सेस से यहाँ पे डील करता है जो कि सारी की सारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज आती हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कौन कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं यहाँ पे, है हमारी असम राइफल्स, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, हमारी CISF है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, हमारी इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस है ITBP है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है NSG है जिसके बारे में अभी डिस्कशन में लिया, और साथ ही हमारी सशस्त्र सीमा बल है, ये सब CAPF का पार्ट है। अब CAPF को यहाँ पे आप कोई भी देखोगे उनको हेड कौन करता है, कोई IPS ऑफिसर यहाँ पे हेड करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो बात की जा रही है पार्लियामेंट्री पैनल द्वारा वो ये है, उन्होंने ये सेंटर को रिकमेंड किया है कि जो IPS की जो हेजिमोनी है उसको यहाँ पे ख़त्म किया जाए क्योंकि CAPF की जो फंक्शनिंग होती है वो पुलिस के फंक्शनिंग से अलग होती है, तो जो आर्मी पर्सनल्स होते हैं उनको ही यहाँ पे हेड करने का मौका दिया जाए CAPF की फोर्सेस को। न्यूज़ आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है कि जो पार्लियामेंट्री पैनल है उसने यहाँ पे सजेशन दी है कि जो पोस्ट होती है डायरेक्टर जनरल की और जो बाकी सारी जो सीनियर पोजीशंस हैं जिनके ऊपर यहाँ पे कब्जा इंडियन पुलिस फोर्स के यहाँ
यहाँ पे जो सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं वो करके रखते हैं उसको यहाँ पे कम किया जाए, क्योंकि CAPF ज़्यादा आर्म फोर्सेज के सिमिलर है। आप देखोगे जो DG रैंक होती है CAPF के अंदर, इट इज़ 100% रिजर्व्ड फॉर IPS ऑफिसर्स। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लोग भी मुझे अपने अपने सुझाव जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि जो CAPF की जो फोर्सेज हैं क्या उसके ऊपर यहाँ पे एक IPS को बिठाना चाहिए या कोई आर्म पर्सनल को यहाँ पे बैठना चाहिए CAPF की DG वाली पोजीशन के ऊपर या जो बाकी जो सीनियर पोजीशंस हैं उसके ऊपर। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ आपको मिलती है पेज नंबर 12 पे, यहाँ पे वर्ल्ड वाले पोर्शन पे हम लोग आ गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है थेरेसा मे फेसेस लीडरशिप चैलेंज। थेरेसा मे के बारे में बात हो रही है, मतलब ब्रेक्सिट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ब्रेक्सिट असलियत में है क्या? ब्रेक्सिट मतलब ब्रिटेन एग्जिट करना चाहता है यूरोपियन यूनियन से, उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग बोलते हैं ब्रेक्सिट। ब्रेक्सिट के अंदर एक रेफरेंडम भी हुआ था यूनाइटेड किंगडम के अंदर, जिस रेफरेंडम के अंदर 52% के आसपास वोट्स आए और ये डिसीजन लिया गया कि यूनाइटेड किंगडम पार्ट नहीं रहेगा यूरोपियन यूनियन का। पर रीसेंट सिनेरियो में हम लोगों को देखने को मिला, चाहे वो लोग हैं या पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो अपोज कर रहे हैं यहाँ पे ब्रेक्सिट का। मतलब वो नहीं चाहते कि जो यूनाइटेड किंगडम है वो यूरोपियन यूनियन से यहाँ पे डाइवोर्स ले। यहाँ पे आर्टिकल 50 जो है यूरोपियन यूनियन का, मैंने आपको बताया था कि क्या है आर्टिकल 50 के अंदर। आर्टिकल 50 के अंदर ये है कि कोई भी देश डिसाइड करता है कि वो यूरोपियन यूनियन संघ का पार्ट नहीं रहेगा तो उसको यहाँ पे कन्वे करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि वो पार्ट नहीं रहेगा और उसको एक टाइम पीरियड फ्रेम भी दिया जाता है। पर यहाँ पे उस आर्टिकल 50 का भी इस्तेमाल किया गया था, पर फिर आर्टिकल 50 को रिवोक करने की यहाँ पे बातचीत की जा रही है। न्यूज़ आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है, यहाँ पे है मूवमेंट ऑफ ट्रूथ। तो व्हाट नेक्स्ट फॉर ब्रेक्सिट, क्या होगा ब्रेक्सिट के अंदर? तो पार्लियामेंट नीड्स टू वोट ऑन मेज डील बाय January 21st, जिसके अंदर बहुत सारी बातें करी जाएंगी कि UK कैन सीक मोर टाइम जिससे वो आर्टिकल 50 को इम्प्लीमेंट कर सके। पर वो तभी हो सकता है जब मेजॉरिटी ऑफ यूरोपियन यूनियन कंट्रीज एग्री करें। कल मैंने आपको बताया था कि जो जर्मनी हैं और जो इंजीनियर मार्कल जी हैं उन्होंने सामने बोल दिया था कि हम नहीं चाहते कि कोई भी रीनेगोशिएशन हो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। अब रिवोक भी किया जा सकता है आर्टिकल 50, अब होगा या नहीं देखा जाएगा। UK अगले एक और रेफरेंडम की तरफ भी जा सकता है अगर कोई स्पेशल लेजिस्लेशन पास होता है तो, और यहाँ पे जो ब्रेक्सिट है वो ऑल टुगेदर भी कैंसिल किया जा सकता है यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा। यहाँ पे आप वॉक्स पॉपुली देख सकते हो, क्या सैंपल सर्वे है, क्या चीज़ें चल रही हैं, अलग अलग परसेंटेज में बताई हुई हैं, इनको भी एक बार देख लेना, थोड़ी फैक्चुअल चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। पेज नंबर 12 पे आपको मिलती है ब्रिटेन बैक ट्रैक्स ऑन प्लान टू सस्पेंड गोल्डन वीज़ा स्कीम। आपने अलग तरीके के वीज़ा सुने होंगे, यहाँ पे नई तरीके का वीज़ा का नाम आया है गोल्डन वीज़ा। क्या होता है गोल्डन वीज़ा, ये सवाल आ सकता है। गोल्डन वीज़ा यहाँ पे किस देश से लिंक कर रहा है? यूनाइटेड किंगडम से लिंक कर रहा है। गोल्डन वीज़ा एक स्पेशल तरीके का वीज़ा होता है जहाँ पर अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे यूनाइटेड किंगडम के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, सरकार के अंदर, शेयर्स के अंदर, बिजनेस के अंदर, तो और अगर आपको यहाँ पे UK की सिटीजनशिप चाहिए तो आपके लिए सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती हैं। अगर आप 2 million pounds से ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे 10 million pounds से ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप सिर्फ 2 साल के अंदर ही UK के अंदर सेटल हो सकते हो, और अगर 5 million pounds से ज्यादा यहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको सिर्फ 3 साल लगेंगे UK की सिटीजनशिप लेने के लिए। यहां पे हुआ क्या था, न्यूज आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। तो यहां पे जो एंटी करप्शन कैंपेनर्स हैं वो ब्रिटिश होम ऑफिस का एक नया डिसीजन आया है कि उन्होंने पहले बोला था कि जो गोल्डन वीज़ा स्कीम है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अनड्यू बेनिफिट कहता है वेल्दी इन्वेस्टर्स को। पर अब उन्होंने उस पर्टिकुलर चीज़ को सस्पेंड करने का फैसला कर लिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जो गोल्डन वीज़ा स्कीम है वो जैसी थी वैसी ही रहेगी। इसको यहाँ पे Tier 1 वीज़ा स्कीम भी कहा जाता है, Tier 1 मतलब इन्वेस्टर्स वीज़ा स्कीम भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही यहाँ पे इजियर रूट प्रोवाइड करता है UK के अंदर सेटलमेंट के लिए। यहाँ पे कुछ नए सेफगार्ड लाने की बात हो रही थी पर अब उसको कैंसिल ही किया जा सकता है। यहाँ पे देखोगे आप जो ज़्यादातर ये जो गोल्डन वीज़ा का इस्तेमाल यहाँ पे रशियन और चाइनीज़ नेशनल्स करते हैं और इंडियंस के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। 82 इंडियंस ने यहाँ पे अप्लाई किया था इस पर्टिकुलर वीज़ा स्कीम के अंदर 2008 और March 2018 के अंदर, ऐसा कहना है यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 13 की तरफ, हम आ गए हैं इकोनॉमी के न्यूज़ पे। देखो जितनी भी न्यूज़ यहाँ पे RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी से रिलेट करती थी वो मैंने आपको पहली डिस्कशन में ले ली, यहाँ पे अगली न्यूज़ लिंक
करती है हमारे पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम जी से। न्यूज है आरबीआई एक्सेस कैपिटल शुड नॉट बी यूज्ड टू फंड डेफिसिट। तो यहाँ पे अरविंद सुब्रमण्यम जी अपनी एक बुक को लॉन्च कर रहे थे जिनका नाम है काउंसिल द चैलेंजेस टू मोदी जेटली इकोनॉमिक्स, और उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें करी। न्यूज आपकी स्क्रीन पर है, हाईलाइटेड न्यूज है। तो ये फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है हमारे देश के अरविंद सुब्रमण्यम जी। उन्होंने बोला है कि आरबीआई कि जो यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, उसकी यहाँ पे ऑटोनॉमी इंडिपेंडेंस को हम लोगों को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना चाहिए, और जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो आरबीआई के पास ही होने चाहिए, और जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसको हमें पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता दूँ, बोर्ड ऑफ गवर्नर को अंदर यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि जिनका पॉलिटिकल लिंक था, और उस वजह से भी जो सवाल थे वो आरबीआई के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के ऊपर खड़े हो गए थे। इन्होंने बोला है कि आई थिंक आरबीआई कैन नो लॉन्गर से लीव इट टू अस, वी विल सॉल्व प्रॉब्लम। तो यहाँ पे बोला भी है कि आरबीआई आज की डेट में ये नहीं कह सकता है, इतनी उसकी इंडिपेंडेंस में खलल आ चुका है कि वो ये कह सके कि आप ये सारी की सारी चीज़ें हम पे छोड़ दो और हम सारी की सारी चीज़ें रिजॉल्व कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है आज की पर्टिकुलर डेट के अंदर। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आरबीआई इज ओवर कैपिटलाइज्ड, आरबीआई के पास बहुत सारे पैसे, पर उन पैसों का इस्तेमाल जो डेफिसिट और एक्सपेंडिचर होता है उसको भरने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जो बहुत सारे पैसे हैं यहाँ पे आरबीआई के पास, उनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड एरियाज के अंदर करना चाहिए, जिससे देश में ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप कह सकते हो एनपीए की प्रॉब्लम है, और भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ स्पेशल पर्पजेज हैं, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ है, उन पर्टिकुलर चीज़ों के लिए ही हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। देखो मैं आपको बताऊं, जब यहाँ पे सीईए थे अरविंद सुब्रमण्यम जी, उस समय जो उन्होंने यहाँ पे हमारे सामने रखे थे इकोनॉमिक सर्वे, उस समय भी उन्होंने यही सब बातें सामने रखी थी कि जो पैसे हैं उनका इस्तेमाल अक्सर हम लोगों को ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम और एनपीए की प्रॉब्लम के अंदर ही करना चाहिए। अब यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे रेजिग्नेशन ले लिया है अपनी पद से, तो उसके बाद वो और ज़्यादा खुल के सामने आ गए हैं, खासकर मोदी और जेटली इकोनॉमिक्स के चैलेंजेस को लेकर। आज की न्यूज़पेपर में बस इतनी ही खबरें थी, कैसा लगा आपको मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। जाते जाते लाइक का बटन दबाना भी बिल्कुल मत भूलना। कोई भी मन में कमेंट, डाउट, क्वेरी या कोई भी चीज हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी मैं मिलूं वहां पर भी पूछ सकते हो। सो आज की वीडियो को एंड करते हैं। सो लव एंड पीस फ्रॉम आवर साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस, एंड हैव अ गुड डे अहेड।